हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पजल्स। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं। अब पजल्स कहाँ पर आ सकते हैं? पजल्स हर टाइप के एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे IBPS PO हो गया, IBPS क्लैरिकल हो गया, SBI PO या SBI क्लैरिकल, RRB PO या RRB क्लैरिकल, SSC हो गया, रेलवेज हो गया। मतलब डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स हैं और हर एग्जाम में पजल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दो टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, एक जो पजल से डरते हैं, जो हमेशा एग्ज़ाम में चाहते हैं कि पजल्स को स्किप कर दें, और एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हर एग्ज़ाम पजल से ही शुरू करते हैं। सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस ये है कि पजल्स चैप्टर में हमको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, इसमें ना कोई शॉर्ट ट्रिक है, ना कोई ऐसा कंसेप्ट है कि जिसको हम एक बार पढ़ लें और ये टॉपिक हमें बिल्कुल अच्छे से आ गया। इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, जो कि है बहुत सारी प्रैक्टिस। सपोज़ मैंने आपको एक पज़ल दिया, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट उसको एक अटेम्प्ट में ही कर लें, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट 5 अटेम्प्ट में भी ना कर पाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने एक अटेम्प्ट में कर लिया उनके पास ज़्यादा दिमाग है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारी की हुई है इस चैप्टर पे प्रैक्टिस। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इसमें कमांड बढ़ेगा। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात यह है कि इस टॉपिक पर कभी भी गिव अप ना करें। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाए, बट हो सकता है ना भी बने, हो सकता है सेकंड थर्ड अटेम्प्ट भी लगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में हमें कमांड कैसे पानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम इसके देखते हैं डिफरेंट टाइप्स। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ पजल एंड वन बाय वन हम सारे टाइप्स कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट टाइप इज बॉक्स बेस्ड पजल, देन नेक्स्ट इज फ्लोर बेस्ड पजल, then next is day and month based puzzle, then age based puzzle, then classification based puzzle, then family based puzzle, then comparison based puzzle, and the last is sitting arrangement based puzzle. So one by one हम हर वीडियो में सारे टाइप डिस्कस करेंगे। So कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो मिस मत करेगा, बिकॉज मैं सारे टाइप आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी डिफरेंट एग्जाम, जो हमारे IBPS, SBI, SSC, रेलवेज, डिफरेंट एग्जाम्स में जितने भी टाइप के पजल्स कवर होते हैं, हम सारे टाइप के पजल डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज बॉक्स बेस्ड पजल। अब बॉक्स बेस्ड पजल होता क्या है? बेसिकली बॉक्स बेस्ड पजल में हमें डिफरेंट बॉक्सेस दे रखे होते हैं, उनको हमें क्या करना होता है? अरेंज। कैसे अरेंज करना होता है ये हमको क्वेश्चन में गिवन होता है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो दे रखा है दैट इज 7 बॉक्सेस नेमली KY T W P C and R are placed one above the other in the rack but not necessarily in the same order. मीन्स ये जो बॉक्सेस हैं दैट इज KY T W P C and R ये सारे अरेंज्ड हैं बट सेम ऑर्डर में नहीं है। हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो। नेक्स्ट, द लोअर मोस्ट रैक इज नंबर्ड एज 1 एंड अबव इज 2 एंड सो ऑन। मतलब जो सबसे बॉटम रैक है दैट इज 1, देन 2, देन 3, देन 4। मतलब जो रैक्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे ऊपर आ गया हमारा 7, देन 6 एंड सो ऑन। देन उसके बाद हमें दे रखा है नेक्स्ट कंडीशन, बॉक्स वाई इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स पी। ओके, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स आर एंड द बॉक्स डब्ल्यू। बॉक्स पी इज प्लेस्ड इन द इवन नंबर रैक अबव द रैक 3। क्लियर? बॉक्स सी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स डब्ल्यू। ओके, बॉक्स टी इज नॉट प्लेस्ड अबव बॉक्स के। नीदर बॉक्स के नॉर बॉक्स टी इज प्लेस्ड इन द लोअर मोस्ट रैक। Only 3 boxes are placed between box Y and box R. अब हमको करना क्या होता है, ये जो पजल्स होती हैं ये बहुत बड़ी बड़ी पजल्स आ जाती हैं एग्जाम में। अब हम इसको ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ रीड करते रहे, हमें याद नहीं करना इसको। एक बार फटाफट से पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। जैसे अब क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करें मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है कि 7 बॉक्सेज हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। हमको दे रखा है कि लोअर मोस्ट क्या है 1 एंड उसके आगे हम नंबर बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ऐसी इंफॉर्मेशन पिक करनी है जो हमें डायरेक्टली गिवन है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि हमको पता है एग्जैक्टली कि इस नंबर पे ये बॉक्स आ सकता है या आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहली कंडीशन हमें दे रखी है बॉक्स वाई इज प्लेस्ड अबव पी। अब हमें P की ही पोजीशन नहीं पता तो हम Y कैसे पुट करें। सो ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स R एंड W, दिस वन इज ऑल्सो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। बॉक्स P इज प्लेस्ड इन इवन नंबर रैक above the rack 3. Now this one is direct. Why so? Because हमको कह रहा है कि जो rack 3 के ऊपर P को हमें पिट करना है और वो even number होना चाहिए। अब दो ही even number है यहाँ पर, कौन कौन से? 3 के ऊपर एक तो 4 है, एक तो 6 है। अब या तो हम P को 4 पे पुट कर दें या P को हम 6 पे पुट कर दें। Suppose अगर मैंने P को किया 6 पे पुट, let's say, अब देखिए P के रिगार्डिंग हमको एक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में क्या दे रखी थी, बॉक्स Y इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो P, मतलब P के जस्ट नीचे किसको आना है, Y। यहाँ पे टर्म इमीडिएटली यूज किया है, इमीडिएटली मतलब जस्ट यहाँ नीचे। अगर इमीडिएटली टर्म यूज नहीं होता, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हमारा इंफॉर्मेशन में इमीडिएट वर्ड नहीं है, देन Y यहाँ पे कहीं पर भी प्लेस हम कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट प्रेफरेंस हम इमीडिएट को ही देते हैं, बट अगर सपोज इमीडिएट से नहीं बन रहा देन Y कैन पुट एनीवेयर बिलो P। बट अगर इमीडिएट वर्ड दे रखा है तो हमको वही रखना है, हम और कहीं उसको नहीं रख सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, P और Y से रिलेटेड कुछ दिख जाए तो क्वेश्चन हमारा प्रोसीड हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉक्स E इज प्लेस्ड अबव बॉक्स W, अभी W हमें पता नहीं कहाँ है। T इज नॉट प्लेस्ड अबव बॉक्स K भी हमको नहीं दिख रहा तो कोई मतलब नहीं इस इंफॉर्मेशन का। बॉक्स K नॉर बॉक्स T इज प्लेस्ड इन लोअर मोस्ट रैक, ठीक है हमको पता है लास्ट में K और T नहीं आ सकता। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स Y एंड R। अब Y हमको मिला, यहाँ Y है, यहाँ Y है। अब क्या कह रहा है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Y एंड R। अब ऊपर तो जगह बची नहीं तो यानी R नीचे ही आएगा, और 3 पोजीशंस वैकेंट करनी है, जैसे 1, 2, 3, और यहाँ पे क्या आ गया R। क्लियर, यहाँ तक एकदम अच्छे से सभी को क्लियर हो गया होगा। अब R के रिगार्डिंग देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। P और Y हमने ऑलरेडी देख लिया, अब R के रिगार्डिंग देखते हैं। यहाँ देखिए हमें दे रखा है ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन R एंड W, तो यानी R और W के बीच में एक ही आना है, तो थर्ड नंबर पे कौन आ गया, W। बीच में एक पोजीशन क्या हो गई, वैकेंट। अब देखिए R या W के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, जैसे हमको यहाँ दे रखा है C इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स W, सो W अगर यहाँ है तो जस्ट इसके ऊपर क्या आ गया, C। अब 2 ही जगह बच रही है, एक 7th और एक 2nd। T is not placed above box K, अब कह रहा है जो T है वो K के above में, immediate word यूज नहीं किया है, मतलब एकदम ऊपर नहीं होना चाहिए और ना ही ऊपर होना चाहिए, समझ में आई बात। अब T is not placed above box K, तो यानी T को तो हमें नीचे रखना पड़ेगा K और K यहाँ हो जाएगा। अब तो चल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और एक और कंडीशन क्या है, नीदर बॉक्स K नॉर बॉक्स T इज प्लेस्ड इन द लोअर मोस्ट रैक, ठीक है लोअर मोस्ट पे तो R है, यानी सारी कंडीशंस क्या कर गई हमारी मैच। सो ये बन गया एकदम हमारा परफेक्ट अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन इस पर आपके 3, 4, 5 डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आराम से आंसर कर दोगे। मान लो पूछ लिया कि विच बॉक्स इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, सो कौन सा बॉक्स मिडिल में है, C। ये पूछ लिया विच बॉक्स इज इन द लोअर मोस्ट रैक, तो लोअर मोस्ट पे क्या है, R। विच बॉक्स इज सेकेंड फ्रॉम द टॉप, सेकेंड फ्रॉम द टॉप कौन सा है, P है। सो क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाए, एक बार अरेंजमेंट बन गया तो 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन इसमें नॉर्मली 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पजल में। सो अगर कितने भी क्वेश्चन आप आराम से इसको स्कोर कर लोगे। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, सपोज आप में से किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आए कि हम P को 4 पे क्यों नहीं ले रहे, ले सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ कंडीशन क्या दे रखी थी, दैट बॉक्स P को हमें कहाँ रखना है, रैक 3 के अबव, एंड दैट इज ऑन इवन नंबर। तो 2 इवन नंबर थे, एक तो 6 और एक तो 4, तो हम P को 4 पे भी प्लेस कर सकते हैं। सो ओके, अब यहाँ पर हमें जो दे रखा है सबसे पहला इन्फॉर्मेशन दैट बॉक्स Y इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स P, अब यहाँ पे Y कहाँ आ जाएगा, इन दिस पोजिशन। क्लियर, फिर देखते हैं ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Y एंड R, Y एंड R के बीच में 3 बॉक्सेस होने चाहिए। अब बॉटम में तो जगह बच नहीं रही तो यानी ऊपर आएगा R, और अगर 3 प्लेसेस हम छोड़ दें सो 1, 2, 3 यानी R आ गया एकदम टॉप पर। अब आर के रिगार्डिंग हमें क्या कंडीशन दे रखी थी, आर के रिगार्डिंग हमको एक कंडीशन ये दे रखी थी कि ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। सो यानी आर यहाँ है, सो डब्ल्यू कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर W के रिगार्डिंग क्या कंडीशन थी, बॉक्स C इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स W, सो C यहाँ पर आ गया। दो ही बॉक्सेस बच रहे हैं, कौन से बच रहे हैं, K और T, और जिसमें हमको दे रखा है T इज नॉट प्लेस्ड अबव K, सो T अगर K के ऊपर नहीं है तो T नीचे आएगा और K कहाँ आएगा, ऊपर। अब गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि एक इंफॉर्मेशन थी नीदर बॉक्स के नॉर बॉक्स टी इज प्लेस्ड इन द लोअर मोस्ट रैक, और यहाँ लोअर मोस्ट पे क्या आ गया, टी आ गया, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, गलत। अब अगर मान लो एग्जाम में आपने इसको बना भी दिया, सपोज आपने पी को 4 पे रख भी दिया, तो क्या इतना बनाया, देख लिया फटाफट से, अब एक ही ऑप्शन बचा है कि P6 पर आएगा और सेकेंड अटेम्प्ट में ही आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सही। सो पजल्स में ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम सही आ गया, जरूरी नहीं है, हो सकता है 2-3 अटेम्प्ट्स भी लग जाए, बट बात बस ये कि हमें जितने अटेम्प्ट लगाने लगाए लेकिन स्पीड होनी जरूरी है। जैसे मान लो अगर आपने इसको पूरा किया, गलत हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब हमें पता है कि पी के रिगार्डिंग दूसरी इंफॉर्मेशन अगर पी को 6 पे रखेंगे तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा, तो बस सेकेंड अटेम्प्ट, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स में ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्लोर बेस्ड पजल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, क्लास बिल्कुल मिस मत करना। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्लोर बेस्ड पजल। ओके एवरीवन, आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, हम जब जब नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और भी अच्छे अच्छे पजल डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।